मतदाताओं पर दबाव अथवा धमकाने का मामला दिखाई देने पर तत्काल जानकारी दे, ऐसा आह्वान सामान्य चुनाव निरीक्षक लोकेश कुमार जाटव ने राजनीतिक पार्टी तथा उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक में किया। इस संबंध में उन्होंने और क्या कहा, आइए जानते हैं इस खबर में। चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए अब कुल 15 उम्मीदवार मैदान में होकर और कहीं भी मतदाताओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव अथवा धमकाने का प्रकार दिखाई देने पर उसकी तुरंत जानकारी दे, ऐसा आह्वान सामान्य चुनाव निरीक्षक लोकेश कुमार जाटव ने किया। राजनीतिक पार्टी तथा उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में रविवार को एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जाटव बोल रहे थे। बैठक में चुनाव खर्च निरीक्षक हेमंत हिंगोनिया, कायदा व सुव्यवस्था चुनाव निरीक्षक सुजीत दास, जिलाधिकारी विनय गौड़ा जीसी, जिला पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन, उप जिला चुनाव अधिकारी सुभाष चौधरी तथा अन्य अधिकारी तथा राजनीतिक पार्टियों के तथा उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस मौके पर जाटव ने कहा कि जिले में अथवा चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में जिन स्थानों पर मतदाताओं पर दबाव डालना या धमकाने का प्रकार दिखाई देने पर उसकी तुरंत जानकारी दें, जिसके चलते ऐसे क्षेत्रों में पुलिस के साथ अतिरिक्त मनुष्य बल की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही धमकाने वालों पर कड़क कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव के दौरान नागरिकों को अथवा किसी को भी शिकायत करना है तो सी विजियल ऐप का उपयोग करें। इस ऐप पर शिकायत और फोटो अपलोड करने पर 100 मिनट के भीतर उसका निराकरण किया जा सकता है। चुनाव के संदर्भ में ऑनलाइन अनुमति के लिए सुविधा ऐप विकसित की गई है। उम्मीदवारों ने अथवा प्रतिनिधियों ने सुविधा ऐप का इस्तेमाल करें। ऑफलाइन अनुमति के लिए एक खिड़की योजना भी उपलब्ध है, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। वहीं इस मौके पर खर्च निरीक्षक हिंगोनिया ने कहा कि पूरे चुनाव प्रक्रिया के दरमियान कोई भी उम्मीदवार तथा राजनीतिक पार्टी अथवा संगठन 10,000 रुपया से अधिक नगद रुपये खर्च नहीं कर सकते, और इससे अधिक खर्च करना है तो ऑनलाइन अथवा धनादेश द्वारा किया जा सकता है। साथ ही उम्मीदवारों ने अपने खर्चों के संबंध में जानकारी सही तरीके से भरें और खर्चों के संबंध में जो दर्ज किया जाएगा उसकी जांच पड़ताल 3 बार करना आवश्यक होकर इससे अगर अधिक खर्च करना है ऑनलाइन अथवा धनादेश द्वारा किया जा सकता है। साथ ही उम्मीदवारों ने अपने खर्च की नोन बुक अतिशय सही तरीके से भरें। खर्च की नोन बुक की जांच 3 बार करना आवश्यक है और इस नोन बुक में बाब न्याय खर्च रोज दर्ज करें, ऐसी सूचना भी हिंगोनिया ने दिया। वह प्रस्तुतिकरण करते समय जिलाधिकारी गौड़ा ने कहा कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और मुक्त वातावरण में पारदर्शक तरीके से संपन्न करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तथा उम्मीदवारों का सहकार आवश्यक है। आदर्श आचार संहिता के काल में क्या करें और क्या ना करें इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने अन्य मौलिक जानकारी भी वहाँ पर मौजूद राजनीतिक पार्टी तथा उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को दी।